बोलिए। अगली बार आएंगे तो मोदी आएंगे, क्योंकि सरकार यहाँ पे जो काम हो रहे हैं ना, यहाँ पे इस टाइम जो अब वो जो कांग्रेस उठ गई है वो क्या करेगी? कांग्रेस नहीं आएगी है? कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो 10 साल में जो काम, भाई देखो शो करने थे यार, मुझे मेरे पास इतना है। भाई साहब आप बैठ जाइए तो बहुत अच्छा, बराए मेहरबानी बैठ जाइए, मैं आता हूँ जी। कांग्रेस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो जो जो, जो इसलिए नहीं है कि वो कास्टिज्म के बारे में बात करती है, रिलीजन के बारे में बात करती है। जो कास्टिज्म के बारे में कांग्रेस बात करती है, रिलीजन के बारे में कांग्रेस बात करती है। क्योंकि यहाँ पे जो जो इस टाइम जो आप बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इक्वल बात करती है। जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो इक्वल बात, मैं आऊंगा बिल्कुल आऊंगा आज आपसे 100% पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपके पीछे वाले से पूछूंगा। जी भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। बोलिए क्या नाम हो गया? मेरा नाम नीरज है जी। नीरज जी बोलिए। बस जनाब कुछ नहीं, आपका शो देखने आ गए तो मैंने सोचा भी एक साथ में वो भी हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई ये तुम गा सकते हो कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, गा सकते हो क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल। गा सकते हो? जरा ट्यून करो, मैं अभी एक रिएक्शन ले लूं, जरा ट्यून करके देखो जी। प्रतीक जी हमारी काबिल प्रवक्ता बहन ने कहा कि आज सुकून मिल रहा है सत्यमेव जयते, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि राहुल गांधी अभी भी दोषी हैं, दोष मुक्त नहीं है, यह सबसे बड़ा सत्य है। ट्रायल पे भी चालू है, सजा कम हुई है। और दूसरी बात, एक स्टूडेंट होता है, बात स्टूडेंट की हुई, सर आप मेहनत करते होंगे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन एक स्टूडेंट सर ऐसा भी होता है जब वो फेल कर जाता है ना तो खुशी मनाता है कि 2 नंबर के लिए बस रह गया, तो इनकी पटाखे फोड़ो ना, देखिए सजा मुक्त नहीं हुए, दोषियों के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। ये बीजेपी का भाई ट्यून हुआ? ये देश ऋषियों का संतों का पारसाओं का, ये देश उमति गाती हुई घटाओं का, ये देश गीता का इंजील का अजानों का, ये देश एक खुदा के कई मकानों का, खुदा के सारे मकानों में सर झुका के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बिल्कुल सही, आप सही बिल्कुल। क्या नाम भैया? सलीम। सलीम भाई कहाँ क्या काम करते हैं? बर्फ का काम है फरीदाबाद। बर्फ का काम है, बस ऐसे ही ठंडक दीजिए तो। बर्फ का काम है, दिल तक जानी चाहिए जी। जनाब आली, राहुल प्रियंका गांधी सेना, मैं अब ये पहले अब देखिए कांग्रेस ओरिजिनल है, आप अभी हैं नकली, वो ओरिजिनल पार्टी है तो मैं ओरिजिनल से पूछूं, लेकिन आज मैं ओरिजिनल को कहूंगा वेट। राहुल प्रियंका गांधी सेना, पहले प्रधान आई वेलकम टू यू जी। देखिए हमारे भाई ये अपना शो है, इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये ज्यादा बोल लिया। ये विशाल जी तो अक्सर कई बार होता है कि पूरा शो निकल जाता है 50 मिनट के बाद बोलते हैं जी। देखिए हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी दोषी हैं, ठीक कह रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं। दोषी तो नेहरू जी भी हैं जो देश आजाद करा के इनको दे दिया और पूरा देश भुगत रहा है, दोषी हैं, इन लोगों को नहीं देना चाहिए था देश। नंबर दो बात कर लूं, नंबर दो सवाल ये नहीं है कि बस्तियां क्यों जल रही है, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दिया, सवाल ये है वो जज जो कोर्ट में बैठा न्याय करने के लिए उसको कौन चला रहा है? 4 महीने में ये मेरे भाई सभी बैठे हैं, कोई ना कोई कोर्ट में जाता होगा, 20-25 साल से कोर्ट में जाता है, डेट पर डेट, 4 महीने में मुकदमा भी दर्ज, सजा भी सुना दी, एक्शन भी ले लिया, ये कौन सी अदालत है? सवाल इस बात पर है, इस बात पर एक मिनट तुम यहां से जाओ, मैं प्लीज कल 2 गए थे, जरा एक मिनट गुप्ता जी प्लीज कम,
विचार के साथ जरूरी है कि निरंतरता होती है, नवीनता होती है, विचार जो है गतिशील है। आपने कहा कि वो कौन जज है, किसने मैचेस दी, ये जज भी वही हैं जो आपके पिता के पिता सब इसी दुनिया इसी धरती पर रहे, वही जज जिन्होंने आपको खड़ा किया, वही जज इस देश का लोकतंत्र, वही जज। आपको सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा है ना, तो जब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो फिर आप संदेह क्यों करते हैं, संदेह। जी एक मिनट, इन्होंने क्या बोला, जजों पर भरोसा नहीं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी मुद्दत से कांग्रेस पार्टी सिद्दत के बाद सिद्दत की चमक आज चेहरे पर नजर आ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं क्या, अब राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या राहुल गांधी अब यह विदेश में जाकर के नहीं कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यही तो राहुल गांधी है, इन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाज नहीं सुनती। राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे और मार ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बड़ी बड़ी मुद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, राहुल गांधी फिर से संसद में आए। डॉक्टर साहब बगल में खड़े थे, बोले बहुत हो गया, बहुत। मैं आ रहा हूं भाई आपके पास। आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली है इसलिए आपको ज्यादा पता है, और वो ऑटो चलाता है इसलिए उसको कम पता है, ये गलत बात है। मैं आ रहा हूं 10 सेकंड। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई उसके बाद भी इनको अक्ल नहीं आई। इनसे पूछा कि परनेश मोदी जी आपका सरनेम तो मोदी है ही नहीं, फिर कैसे आपकी भावनाएं आहत हो गई? पूरा केस फर्जी था, झूठ का षड्यंत्र का पूरा रचा गया, राहुल गांधी जी को फंसाया गया। और वो जो ठीक, मैं आया, मैंने लिया, मैंने ना 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 सर प्लीज पूरी बात बोले दीजिए। बाकायदा राहुल गांधी को फंसाया गया, ये कारण था कि राहुल गांधी ताकि संसद में ना आ पाए। ठीक ठीक, यहाँ आइए, अब यहाँ आइए। नहीं नहीं, आई हैव गिवन यू 20 ऑफ 10 सेकंड हो चुके थे वैसे, और ले लीजिए 10 सेकंड। देखिए, ये वही भाजपा है जो नारा लगाता है गोली मारो सालों को, उनको मंत्री बनाती है, जो दिल्ली में आग लगाता है कपिल मिश्रा उसको उपाध्यक्ष बनाती है। प्लीज आप अंदर कैसे आए, प्लीज बाहर प्लीज। आपके मन में इतनी अकुल, मैं आऊंगा सर प्लीज आऊंगा सर प्लीज आऊंगा सर प्लीज वेट प्लीज गार्ड साहब, आपके अंदर इतनी अकुलाहट है कि राहुल गांधी जी संसद में आए। बाबूजी नमस्ते, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। राहुल गांधी जी संसद में आए, इतनी अकुलाहट है